जय हिंद दोस्तों, मैं विकास सर और आप सभी को अपना प्यारा YouTube चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं क्लास 10th का ही फिर से एक बार आपदा प्रबंधन का एक छोटा सा टॉपिक आप लोग के लिए लेकर आया हूं, जिसका नाम है सुखाड़। अगर हम लोग सुखाड़ से बात करते हैं तो ये आपदा प्रबंधन का एक छोटा सा महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां से क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में, मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। बहुत बार हम लोग देखेंगे, अधिकतर बार देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सुखाड़ से पूछ देता है, तो कभी कभी जो है सुखाड़ का परिभाषा, सुखाड़ के समय किए जाने वाले प्रबंधन, ये 2 नंबर में पूछ देता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये सुखाड़ जो है ये आपका आपदा प्रबंधन का एक छोटा सा टॉपिक है, और ये टॉपिक से मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 नंबर का अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम लोग सुखाड़ को एक सरल और आसान भाषा में क्या करेंगे, समझेंगे। सबसे पहले हम लोग सुखाड़ की बात करते हैं तो सुखाड़ है क्या। बहुतों तरीकों से जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सुखाड़ क्या है, सुखाड़ किसे कहते हैं, सुखाड़ से आप क्या समझते हैं। तो आइए हम लोग सुखाड़ की हम लोग बात करते हैं। सुखाड़ का परिभाषा हम लोग कह सकते हैं कि कृषि या आवासीय क्षेत्रों में आवश्यकता से कम जल का उपलब्ध होना सुखाड़ कहलाता है, है ना। बहुत सारे लोग जो है सुखाड़ का परिभाषा एकदम सरल भाषा में ये भी देते हैं कि आवश्यकता से कम जल का उपलब्ध होना सुखाड़ कहलाता है, ये भी आपका चलेगा, है ना। लेकिन थोड़ा सा हम लोग अपर लेवल का परिभाषा देखेंगे तो इसका परिभाषा होगा सुखाड़ का कि कृषि या आवासीय क्षेत्रों में आवश्यकता से कम जल का उपलब्ध होना क्या कहलाता है, सुखाड़ कहलाता है। फिर से एक बार सुनिए, सुखाड़ क्या है। तो कृषि या आवासीय क्षेत्रों में आवश्यकता से कम जल का उपलब्ध होना क्या कहलाता है, सुखाड़ कहलाता है। इससे एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि बहुत बार पूछा जाता है कि सुखाड़ किस प्रकार का आपदा है, तो आपको नोट कर लेना है कि सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु इसी टॉपिक से है, बहुत बार पूछा जाता है कि भारत में विनाशकारी सुखाड़ जो है किस वर्ष आया था, तो याद कर लेना है 1966 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे तो सुखाड़ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सुखाड़ आने का कारण क्या है, सुखाड़ कैसे आता है, इसका कारण क्या है। तो आसानी पूर्वक हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि ये घटनाएं जो है हमारे दैनिक जीवन से क्या है, संबंधित है। अक्सर हम लोग अपने दैनिक जीवन में सुखाड़ आना, बाढ़ का आना, ये सब अक्सर हम लोग अपने आंखों से देखते हैं, ठीक है। तो सुखाड़ आने का सबसे पहला कारण हम लोग कह सकते हैं कि सुखाड़ आने का सबसे पहला कारण जो हो सकता है वो हो सकता है वर्षा की कमी, है ना। यानी कि वर्षा की कमी सुखाड़ का पहला कारण हो सकता है। दूसरे कारण की हम लोग बात करेंगे तो दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि आवश्यकता से अधिक जल का उपयोग करना सुखाड़ का कारण है। तीसरा पॉइंट हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि वर्षा जल का संग्रह न करना, संग्रह के मतलब होता है जमा करना, है ना। तो वर्षा जल का संग्रह न करना भी सुखाड़ का एक क्या है, प्रमुख कारण है। इसके बाद चौथे बिंदु की हम लोग बात करते हैं तो ये भी आप लिख सकते हैं कि भूमिगत जल का पुनः पूर्ति उपयोग न होना, ये भी एक सुखाड़ का क्या है, कारण है। आइए तो हम लोग यहां देखते हैं। देखिए हम यहां पे लिख दिए आप सबके लिए, सुखाड़ आने का कारण सबसे पहला आपको समझना है वर्षा की कमी, दूसरा है वर्षा जल का संग्रह न होना, तीसरा पॉइंट है आवश्यकता से अधिक जल का उपयोग होना, और चौथा है भूमिगत जल का पुनः पूर्ति उपयोग न होना, भूमिगत जल का पुनः पूर्ति उपयोग न होना। तो ये 4 बिंदु जो मैंने आपको बताया, 4 पॉइंट बताया, ये आपका सुखाड़ आने का क्या है, कारण है, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग
इस टॉपिक से और भी क्वेश्चन बना सकते हैं जो आपसे पूछा जा सकता है, जैसे सुखाड़ से होने वाली हानि। सुखाड़ आता है तो इससे होने वाली हानि क्या क्या है, क्या क्या इससे हानियां हो सकती है, तो देखिए यहां पर हम लिख दिए हैं सुखाड़ से होने वाली हानि। सबसे पहला हानि क्या हो सकता है, तो खेतों में लगे फसल नष्ट हो जाते हैं। सुखाड़ हो या बाढ़ हो, खेतों में लगा हुआ फसल क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। दूसरा बिंदु यहाँ पे लिखा हुआ है खाद्य पदार्थों की समस्या उत्पन्न होती है। चाहे सुखाड़ हो या बाढ़ हो, अगर खेतों में लगा हुआ फसल नष्ट हो जाता है तो दोनों स्थिति में जो है खाद्य पदार्थों की समस्या उत्पन्न होती है। तीसरा पॉइंट हमने लिखा है यहाँ पे आप सबके लिए पेयजल की समस्या। सुखाड़ आएगा, पेयजल की समस्या बनेगी, खाद्य पदार्थों की समस्या बनेगा, है ना। उसके बाद जो है खेतों में लगे हुए फसल नष्ट हो जाएंगे। और चौथा जो है रोजगार के अवसर में कमी होगी, है ना। रोजगार के अवसर में कमी होना भी ये क्या है, सुखाड़ कहानी है। अब बहुत बच्चा बोलेगा कि सर सुखाड़ आने पर जो है रोजगार के अवसर में कमी कैसे होगा, तो आप अदर स्टेट को छोड़ दीजिए, अपने बिहार को ले लीजिए, तो आप ज्योग्राफी में ये पढ़े होंगे कि बिहार जो है एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की 80% ग्रामीण जनसंख्या जो है जिनका जीवन कृषि पर क्या होता है, निर्भर करता है। तो बताइए कि अगर सुखाड़ की स्थिति बन जाए बिहार में, तो वो 80% लोगों का जीवन क्या होगा, है ना। उनका उनको रोजगार मिलना तो क्या हो जाएगा, ठप पड़ जाएगा, रोजगार के अवसर में कमी हो जाएगी। जो मौसम के अनुकूल जो है उनको बिहार में क्या मिलता है, मौसमी रोजगार मिलता है, वो क्या हो जाएगा, ठप पड़ जाएगा। इसी तरह से लास्ट टॉपिक जो है सुखाड़ से बन सकता है कि सुखाड़ से बचने के लिए किए जाने वाले प्रबंधन। तो देखिए एकदम आसान तरीके में हमने यहाँ पे लिख दिया है आप सबके लिए, सुखाड़ से बचने के लिए किए जाने वाले प्रबंधन क्या है, निम्नलिखित है। सबसे पहला प्रबंधन जो है तात्कालिक प्रबंधन, और दूसरा है दीर्घकालिक प्रबंधन। अब सुखाड़ से बचने के लिए तात्कालिक प्रबंधन में हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो तात्कालिक प्रबंधन में हम देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं, तात्कालिक प्रबंधन में हम सबों को सुखाड़ प्रभावित क्षेत्रों में जल और सस्ते दर पर अनाज को उपलब्ध करना चाहिए, है ना। तात्कालिक प्रबंधन में हम सभी को सुखाड़ प्रभावित क्षेत्रों में, है ना, लोगों के लिए जो है जल एवं सस्ते दर पर दी जाने वाली अनाज को उपलब्ध करना चाहिए, ये आपको लिखना है। उसके बाद है दीर्घकालिक प्रबंधन। तो दीर्घकालिक प्रबंधन में हम सबको क्या करना चाहिए कि वर्षा जल का संग्रह एवं भूमिगत जल का पुनः पूर्ति उपयोग करना चाहिए। जब भी वर्षा होता है उसको हम लोग गड्ढे खोद कर छत के फर्श पर, है ना, ड्राम में, गंगाल में, जितना भी हो उसमें हम लोग वर्षा जल को संग्रह कर ले, जमा कर ले, और भूमिगत जल का पुनः पूर्ति उपयोग करें। यानी कल से पानी को नहाने के लिए निकाले हैं, नहाने जो पानी से नहाया उसको गड्ढे खोदकर वहीं पास में जो है संग्रह जमा कर लेंगे, और फिर वो जल का उपयोग जो है कृषि कार्यों में कर लेंगे। तो ऐसे करने से जो है हम लोग सुखाड़ से बच सकते हैं, है ना। तो सुखाड़ में हमने आपको चार पॉइंट बता दिया कि सुखाड़ क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट बताया कि कृषि या आवासीय क्षेत्रों में आवश्यकता से कम जल का उपलब्ध होना सुखाड़ कहलाता है। सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा, सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा है। और उसके बाद हमने बताया कि भारत में विनाशकारी सुखाड़ जो है वो 1966 ईस्वी में आया था। दूसरा बात हमने बताया सुखाड़ आने का कारण वर्षा की कमी, है ना, वर्षा जल का संग्रह न होना, आवश्यकता से अधिक जल का उपयोग होना, और भूमिगत जल का पुनः पूर्ति उपयोग न होना, ठीक है। और उसके बाद सुखाड़ से होने वाली हानि हमने बता दिया आपको, क्या क्या बताया, तो खेतों में लगे फसल नष्ट हो जाते हैं, दूसरा खाद्य पदार्थों की समस्या, तीसरा पेयजल की समस्या, और चौथा रोजगार के अवसर में कमी। और फोर्थ पॉइंट में हमने आपको क्या बताया, सुखाड़ से संबंधित प्रश्न, सुखाड़ से बचने के लिए किए जाने वाले प्रबंधन। तो सुखाड़ से बचने के लिए दो तरह के प्रबंधन हम सबको करना चाहिए, एक तात्कालिक प्रबंधन और एक दीर्घकालिक प्रबंधन। तात्कालिक प्रबंधन में हम सबों को क्या करना चाहिए सुखाड़ से बचने के लिए, तो जल सुखाड़ प्रभावित क्षेत्रों में जल क्या है, है ना, जल और सस्ते दर पर अनाज को उपलब्ध करना चाहिए। और दीर्घकालिक प्रबंधन में वर्षा जल का संग्रह एवं भूमिगत जल का पुनः पूर्ति उपयोग करना चाहिए, है ना। तो
ये था आपदा प्रबंधन का एक छोटा सा टॉपिक, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट से है ना मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में आपका 2 से 3 नंबर का पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर, ठीक है। तो इसी तरह के छोटा छोटा बिंदु टॉपिक जो है हम आप सबके लिए एग्जाम तक है ना एग्जाम तक जो है लेकर आते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और कमेंट जरूर करें। इसी तरह से हम आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप